गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इट इज अनदर यूनिट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने सेट थ्योरी के क्वेश्चंस किए थे, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे। नाउ अंदर वेज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अभी तक आपने अपनी स्मॉल क्लास, जो आपकी जैसे सिक्स सेवन की क्लासेस थी, तो वहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, जहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है, जो भी पर्टिकुलर टर्म होता है, उसकी मैक्सिमम पावर वन होती है। ओके, बट एनी पॉलिनोमियल, कोई भी इस तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर मैक्सिमम पावर टू होती है। For example, like here, this is a standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to zero. तो यहाँ पर जो x की maximum power है, वो आप देख रहे हैं, that is two. और इसका जो coefficient है, इसके साथ में attached, इसका product आ रहा है, जो इसका कोफिशियंट या मल्टीपल है, दैट इज ए। और ये ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीरो इंटू समथिंग इज एज यू नो जीरो ही होगा, तो ए की वैल्यू कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। बी और सी, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है। देन दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो एक्स के फॉर्म में है, और यहाँ पर वाई के फॉर्म में है। ए बी और सी क्या है? कोफिशियंट्स है, मल्टीपल्स है। ओके, और एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है। एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, देन यू विल गेट समथिंग। अब यहाँ पर हो सकते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो सकती है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। This is a particular quadratic equation. Ax square वाला जो हमने पढ़ा था, ये एक general form थी। यहाँ पर a की value कोई भी number हो सकता है, कोई भी integer हो सकता है, b की value भी हो सकती है, c की भी हो सकती है। These are actually the coefficients. तो यहाँ पर एक numerical expression है quadratic equation का, 2x square plus 5x plus 6 is equal to 0. यहाँ पे देखिए, जो हाईएस्ट पावर है एक्स की, दैट इज टू। इट मींस जो स्मॉल ए की वैल्यू थी, ये देखिए लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, दैट इज टू, और ये जीरो नहीं है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की वैल्यू यहाँ पर टू है, बी की वैल्यू फाइव है, एंड सिक्स जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। दूसरा एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। सेम तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो गई। देखिए, अगर इसे हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 ही है, विच इज नॉट 0। b की वैल्यू यहाँ पे, b इज एक्चुअली द कोफिशियंट ऑफ x, और x का कोफिशियंट यहाँ पर नहीं है, तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू यहाँ पर 6 है। Now there are some examples to identify whether any particular algebraic expression is a quadratic equation or not. देखिए पहला वाला, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो वन इसका मल्टीपल है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, विच इज नॉट जीरो। देयरफॉर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी एंड सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके। जब भी आप मैथ्स का लेक्चर अटेंड करें, तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे साथ में। जो मैं यहाँ पर एक आपको एरो शो कर रही हूँ, उस एरो से वो देखते रहें, बार बार इसको आप पॉज करके या बैक करके भी देखते रहें, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। और बाकी जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब भी हम हर पर्टिकुलर यूनिट के एक एक
न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6, 1, 5 and 6. सो देयरफॉर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, x, ये x में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. अगेन सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 1, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर विच इज नॉट जीरो, देयरफॉर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले हम इसी तरीके से सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या लीनियर है. बी की वैल्यू माइनस 1 है, सी की वैल्यू माइनस 6 है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला भी देख सकते हैं हम. थर्ड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू जीरो, हाईएस्ट पावर 2 है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 0 है एंड सी की वैल्यू 6 है. नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ एक्सप्रेशन. फोर्थ एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, साफ दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर का जो टर्म है वो यहाँ पर नहीं है. तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है 1, x की हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है. यह x स्क्वायर का कोफिशियंट वी कैन से 0 है, जो a की वैल्यू होती है. देयरफॉर यहाँ पर दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन. देखिए, इफ इफ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, सो वी विल से दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स. ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पर्टिकुलर वेरिएबल में एक्स में है या वाई में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन है. देन अगेन द एग्जांपल नंबर 5, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ देखिए, क्योंकि वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई बिकॉज यहाँ वाई स्क्वायर का टर्म है, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है वाई में और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, b is equal to 5 and c is equal to 6. Then we compare it with ay square plus by plus c equal to 0. तो पहले की तरह आपको साफ दिखाई देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू फाइंड इट्स वेरिएबल्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे x में एक वैल्यू निकल के आती है सॉल्व करके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स होते हैं. ओके, देयर विल बी टू रूट्स और two answers of y. So whenever we are going to solve that particular quadratic equation, first step is that we will compare that equation with the general format or the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. And secondly, we will find out the value of a, b and c from the given expression. So here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to 6. Example number 6. Some student may get confused कि यहाँ पे पहले 6 आ रहा है बाद में y square आ रहा है, तो ये quadratic equation है या नहीं है. इससे हमें confused नहीं होना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो polynomial है उसमें जो आपका algebraic variable है, like यहाँ पर y है, तो इस की हाईएस्ट पावर क्या है. इसकी हाईएस्ट पावर है 2 और इसका कोफिशिएंट जो a की वैल्यू होती है वो है माइनस 1. सो व्हेन वी कंपेयर इट विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c एज माइनस 1, 0 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, और वी कैन सिंपली से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because the highest power of y is 2 and the value of a is 1 which is not 0. Simply हमें a की value check करनी है. अगर a की value 0 नहीं है, if a is not equal to 0,
कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 1 से लेके आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स से कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्योंकि 0 नहीं है, तो दिस इज जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है, देन दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -16 है, क्योंकि जब 16 को आप लेफ्ट हैंड साइड LHS में लाएंगे तो -6 जो +16 RHS में है वो लेफ्ट साइड में आके अपोजिट साइन का हो जाएगा, दैट इज -16 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू जो है दैट इज 1। अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए जो एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर वाई की 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है दैट इज 3, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। एक्चुअली ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अगर जैसे एक्स एक्स वाले मल्टीपल वाले ऐसे आपको दो बार दिख रहे हैं, तो जब हाईएस्ट पावर को आप सॉल्व करके ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी को सॉल्व करके आप फाइंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 आ रही है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और ए की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी आपकी 3 और सी की वैल्यू आएगी 2। ऐसे आपका लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसमें भी हाईएस्ट पावर एक्स की क्योंकि 2 आ रही है, देयरफॉर इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द आंसर विल बी यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड देन वी विल कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज 1, 1 एंड -2। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।